हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी का वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केरला स्टेट के बारे में। केरला स्टेट के बारे में सबसे जो लिटरेसी स्टेट के मामले में जो टॉप पर रहे, वही केरला स्टेट के बारे में हमने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने कई सारे स्टेट के बारे में MCQ फॉर्मेट में GK भी डिस्कस किए, और इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं केरला स्टेट के बारे में। सो यह आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला। पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला। यह है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम। ये जो तिरुवनंतपुरम है ना, ये तिरुवनंतपुरम का मीनिंग है जो लैंड ऑफ गॉड, मतलब लैंड ऑफ अनंत का लैंड है। तिरुवनंतपुरम का मीनिंग है। एंड इसका सीएम है पिनराई विजयन। सीएम गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सीएम है पिनराई विजयन। और इसका स्टेट डे है, जो केरला का स्टेट डे है ना, स्टेट डे है, और स्टेट डे को भी कहा जाता है केरला पिरावी डे। ये नवंबर 1 को सेलिब्रेट करी जाती है। नवंबर 1, 1956 में ये एक सेपरेट स्टेट बने, याद रखिएगा 1956। याद रखना तिरुवनंतपुरम, ये जो कि कैपिटल है केरला का, एंड तिरुवनंतपुरम का मीनिंग है जो कि द टाउन ऑफ गॉड, याद रखिएगा। सो याद रखना, और केरला को भी कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और केरला का स्टेट बार्ड आपको पूछे तो ये होगा ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ रहे ग्रेट हॉर्नबिल स्टेट बार्ड है, स्टेट फीस है ग्रीन क्रोमिडा, याद रखिएगा ग्रीन क्रोमिडा, ये स्टेट फीस है। एंड स्टेट फ्लावर है कोनी कोना फ्लावर, याद रखिएगा। एंड स्टेट ट्री कौन सी है, कोकोनट, याद रखिएगा। सो ये केरला स्टेट के बारे में याद रखना। हमने सभी MCQ फॉर्मेट में टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हर दिन के द्वारा, फटाफट जीके के सीरीज में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय ना देर किए, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला। केरला की लाइफ लाइन कौन सी रिवर है। एंड ये रिवर जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला की भी लॉन्गेस्ट रिवर है, ये है पेरियार रिवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेरियार रिवर। इसका लेंथ है 244 किलोमीटर लॉन्ग। केरला को याद रखिएगा, ये केरला का लॉन्गेस्ट रिवर। ये जो ओरिजिनेट हुआ है ना, ये जो पेरियार रिवर शिवगिरी पीक ऑफ याद रखिएगा सुंदरमाला, जो ये रहे तमिलनाडु में। शिवगिरी पीक ऑफ सुंदरमाला ये तमिलनाडु में रहे, जो कि पेरियार रिवर ओरिजिनेट हुआ है, याद रखिएगा। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला एंड लाइफ लाइन ऑफ केरला। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। द ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम कथकली ओरिजिनेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल डांस ऑफ कथकली ओरिजिनेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला का कौन से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भेलिंज, और उसे पठानामुठिया ऐसे ही मतलब उसका नाम रहे। भेलिंज हिल और पठानामुठिया डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट हुआ है, याद रखिएगा। जो मतलब ये एक आपको पूछे तो ये एक कथकली स्कूल है, मैंने ये सर्च करके देखी है, ये एक स्कूल है। अभी ये क्लोज रहे, ये स्कूल अभी मतलब बंद पड़ी है, पता नहीं क्यों ये बंद पड़ी है। याद रखना ये एक मतलब स्कूल था जो कि कथकली स्कूल रहे, याद रखिएगा। जो कि ये अल्लापामना जो कि भेलिंजी पट्टामुंडई डिस्ट्रिक्ट में रहे, याद रखिएगा। इतना याद रखना, ये कथकली जो कि भेलिंजी डिस्ट्रिक्ट से रहे। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। व्हिच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, पार्क इन केरला। यहाँ इंडिया टाइपिंग की गई है, सो मैनेज कर लेना, ये केरला। व्हिच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन केरला। और फर्स्ट नेशनल पार्क आपको इंडिया पूछे तो ये कौन सी होगा,
अभी करेंटली भी हमने डिस्कस की है। याद रखिएगा ये जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क है आपको पूछे तो इंडिया का, ये होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में रहे। इंपॉर्टेंट है ये केरला का कौन सी नेशनल पार्क है जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क ये होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क याद रखिएगा। और ये भी केरला का सबसे बिगेस्ट पार्क है, नेशनल पार्क है। इसका एरिया आपको पूछे तो 97 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, इराविकुलम नेशनल पार्क याद रखिएगा, फर्स्ट नेशनल पार्क इन केरला। और इंडिया की आपको पूछे तो ये होगा मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, द फेमस बैक वाटर ऑफ केरला आर लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। द फेमस बैक वाटर ऑफ केरला आर लोकेटेड इन मालापुरम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज द ट्रेडिशनल केरला आतीर फॉर वुमेन। व्हाट इज द ट्रेडिशनल केरला आतीर फॉर वुमेन, वुमेन के लिए ये है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुंडू याद रखिएगा। ये जो ट्रेडिशनल मतलब उनका एक क्लॉथ है, ट्रेडिशनल क्लॉथ है, मतलब जो केरला पीपल रहे जनरली वेयर सारी, उन्होंने साड़ी पहनते हैं जनरली। और ये साड़ी का टू नाम रहे, मतलब टू पार्ट रहे उसका नाम है, एक तो रहे मुंडुम एंड दूसरा जो दूसरा रहे ये है नेरियाथुम उसे कहा जाता है याद रखिएगा, मुंडुम एंड नेरियाथुम याद रखना। उनका केरला का आतीर ओम्यान है ये है मुंडुम। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 7, व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला स्टेट की हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सी है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम एंड इसका ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना ये है ओनम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है ओनम, ओनम जो कि उनका एक केरला की एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8, विच इज़ द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। विच इज़ द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया ये है हाइस्ट पीक है अन्नामुड़ी हिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अन्नामुड़ी याद रखिएगा। इसका हाइट आपको पूछे तो हाइट है 2695 मीटर याद रखिएगा, अन्नामुड़ी हिल ये रहे केरला में वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया की ये हाइस्ट पीक है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 9, स्टूडेंट हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी के सभी केरला स्टेट से रिलेटेड है। केरला स्टेट की हमने पिछली सी वीडियो में जो मणिपुर स्टेट के बारे में भी डिस्कस की है, गोवा स्टेट के बारे में, गुजरात, ऐसे ही कर्नाटक, राजस्थान, कई सारे स्टेट के बारे में भी हमने वीडियो अपलोड की है, देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की गई है मतलब स्टेट के बारे में, और भी कई भी स्टेट के बारे में हमने अपने जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, ज़रूर हमने उसके बारे में वीडियो ले आएंगे। याद रखिएगा नंबर 9 पर, द फेमस पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ केरला। पद्मनाभ स्वामी ये जो टेम्पल है ना ये केरला का कैपिटल में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम। ये जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ना ये नाम से तो आपको पता ही चली होगी, ये विष्णु टेम्पल मतलब इसका आर्किटेक्चर आपको पूछे तो ये द्राविडियन आर्किटेक्चर, मतलब जो रामेश्वरम टेम्पल जो दिखी आपको पता ही होगा, जो रामेश्वरम टेम्पल जो द्राविडियन आर्किटेक्चर रहे ठीक उसी तरह ये दिखती है, विष्णु टेम्पल पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में रहे, कैपिटल ऑफ केरला। आगे बढ़ते हैं नंबर 10, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द केरला रेनिजेंस। व्हाट इज द हु इज नोन एज द फादर ऑफ द केरला रेनिजेंस। फादर ऑफ ये है जो कि उनके एक स्पिरिचुअल लीडर रिफॉर्मर, मतलब स्पिरिचुअल लीडर याद रखिए, ये है श्री नारायण गुरु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्री नारायण गुरु जो कि उनके फादर ऑफ केरला रेनिजेंस। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 11, ये बताइए व्हिच इज द फेमस डांस ड्रामा फ्रॉम दैट डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन इपिक्स इन केरला। इंडियन इपिक्स में जो रिप्रेजेंट की गई है केरला का कौन सी डांस जो कि डांस ड्रामा फ्रॉम दैट डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन इपिक्स इन केरला, ये जो कि
इंडिया का भी एक फेमस डांस है, यह है कथकली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कथकली। और उसे भी कृष्णा नाटम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कथकली इंडिया की फेमस डांस है, सिर्फ ये मतलब एक केरला की नहीं, इंडिया की। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12, द फेमस बोट रेस नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये एक बोट रेस रहे, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। इट्स हेल्ड इन विच बैक वाटर डेस्टिनेशन ऑफ केरला, ये होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुन्नामदा लेक नियर अलापुजा डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। पुन्नामदा लेक नियर अलापुजा, ये डिस्ट्रिक्ट के पास में ये रहे, पुन्नामदा लेक, याद रखा। इसमें जो कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसमें होती है, फेमस बोट रेस जगह है केरला की। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13, व्हिच इज द ट्रेडिशनल मटेरियल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला, कौन सी आर्ट है? ये है, ये जो कि मतलब एक तलवार और ढाल के साथ ये मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके एक ट्रेडिशनल मटेरियल रहे, ये है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कलारी पायाटू, याद रखिए। कलारी पायाटू जो कि ये केरला का मतलब ट्रेडिशनल मटेरियल है, तलवार और ढाल पर ये प्रदर्शित की जाती है, इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 14, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विथ केरला कल्चरल रिपोर्ट परफॉर्मेंस। जो केरला का जो परफॉर्मेंस रहे, जो ट्रेडिशनल कल्चरल परफॉर्मेंस रहे, उनके एक ट्रेडिशनल परक्यूजन रहे इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट है? ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ, इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट, ये है, याद रखिएगा, जो कि उनकी कथकली में यूज की जाती है, मतलब उनके जो ट्रेडिशनल डांस रहे इसमें भी यूज की जाती है, यह है चेंडा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चेंडा, उनके एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15, द मालाबार रेबिलियन, इंपॉर्टेंट रेबिलियन है, ध्यान से सुनना। द मालाबार रेबिलियन ऑल्सो नोन एज द मापिला रेबिलियन, उसे भी मापिला रेबिलियन से नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग विच ईयर, कौन से ईयर में हुआ था ये जो हुआ था ना, ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये एक रेबिलियन हुआ था केरला में, याद रखिएगा। द मालाबार रेबिलियन ऑल्सो नोन एज द मापिला रेबिलियन अकॉर्ड इन 1921। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1921 में हुआ था, ब्रिटिश के अगेंस्ट ये रेबिलियन हुआ था केरला में। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया इन केरला, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई केरला बाई एरिया इन केरला, केरला में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये है, याद रखिएगा, पालाकाड़, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पालाकाड़, जो कि ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। एंड इसका एरिया आपको पूछे तो 4482 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, एंड ये पालाकाड़ डिस्ट्रिक्ट, इतना ही याद रखना। और स्मॉलेस्ट आपको पूछे तो स्मॉलेस्ट होगा अलापुजा, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईएसटी शॉर्ट फॉर्म में, इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ केरला, केरला का जो आईआईएसटी कौन सी सिटी में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आईआईएसटी है ना, ये सेटअप करी गई थी, ये 2007 में सेटअप की गई थी बाई इसरो के द्वारा, ये सेटअप की गई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आईआईएसटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस ये टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम, सेटअप की गई थी 2007 में इसरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18, इन व्हिच ईयर डिड केरला बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया, इन व्हिच ईयर डिड केरला बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, ये केरला का ये है, ये जो फुल्ली लिटरेट स्टेट बने हैं ना, ये 1991 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1991 में केरला जो कि एक फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया था, मतलब अभी के मामले में केरला लिटरेसी मामले में टॉप पर रहे। ये आपको पूछे तो मतलब ये जो 1991 में ना, मतलब जो कि केरला का लिटरेसी रेट था
90% था। अभी के समय में ये कितने की रहे? अभी के समय में 94 से ज़्यादा लिटरेसी रेट रहे, मतलब ये टॉप स्टेट जो कि लिटरेसी मामले में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 19, द फेमस अट्टुकल पोंगल इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हुनर ऑफ हुई दैत्य, कौन सी दैत्य के लिए ये मतलब सेलिब्रेट करी जाती है पोंगल, जो कि अट्टुकल पोंगल, फेमस अट्टुकल पोंगल इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हुनर ऑफ हुई दैत्य, ये है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये अट्टुकल देवी, अट्टुकल देवी उनके लिए ये सेलिब्रेट की जाती है ये फेस्टिवल। ये अट्टुकल अट्टुकल भगवते भगवते टेम्पल में ये सेलिब्रेट की जाती है, एक भगवते टेम्पल रहे इसमें सेलिब्रेट की जाती है अट्टुकल देवी। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 20, विच इज़ द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ये है तिरुवनंतपुरम, जो कि कैपिटल ऑफ केरला, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम। और याद रखना इसका ओल्ड नेम आपको पूछे तो ये तिरुवनंतपुरम का जो पहले से नाम ना नाम जो कि तिरुवनंतपुरम नहीं था, इसका नाम था तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। एंड इसका ओल्ड नेम है तिरुवनंतपुरम। एंड तिरुवनंतपुरम का जो मीनिंग है ना, क्या है, हमने डिस्कस की थी पहले से, तिरुवनंतपुरम का जो मीनिंग है तिरुअनंतपुरम, इसका मीनिंग है, याद रखिएगा, टाउन ऑफ लॉर्ड अनंत की ये टाउन है, बस इतना ही याद रखना। इंडिया में तो जितना भी स्टेट रहे, सब स्टेट कोई ना कोई एक नाम से रिलेटेड रहे, स्टेट और जो भी डिस्ट्रिक्ट रहे, सभी कोई भी एक मतलब हमारा पुराण का भगवान नाम से रिलेटेड रहे, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे रहे, याद रखिएगा, इसका नाम है टाउन ऑफ लॉर्ड अनंता। सो केरला जो कि सबसे लिटरेसी मामले में टॉप पर है, टॉप स्टेट है, याद रखना। एंड आपको सेकेंड पर पूछे तो आपको जो लिटरेसी रेट के मामले में याद रखना चाहिए, आपको लिटरेसी रेट के मामले में हमने एक वीडियो में हमने डिस्कस की थी सभी स्टेट के बारे में, लिटरेसी के बारे में। आपको सेकेंड पर पूछे तो सेकेंड स्टेट होगा, सॉरी ये स्टेट नहीं, यूटी होगा, सेकेंड पर होगा लक्षद्वीप, जो कि इसका 91.85% रहा है लिटरेसी रेट। एंड और थर्ड पर आपको पूछे तो थर्ड पर रहे स्टेट, एक स्टेट रहे मिजोरम, 91.33% रहे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, हमने ये जितने क्वेश्चन डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, कोई भी एक स्टेट के जीके के साथ, इम्पोर्टेंट डेली एमसीक्यू के साथ। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।